हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त जिला कांग्रेस कमेटी के साथ अहम बैठक में भाग लेने के लिए ऊना पहुंचे। ऊना पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस के सह प्रभारी ने जहां कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार किया, वहीं उन्होंने प्रदेश भर में मुकेश अग्निहोत्री के सीएम पद की दावेदारी को लेकर चल रही अटकलों को भी और हवा दे दी। आप भी सुनिए क्या कहा संजय दत्त ने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऊना जिले को कांग्रेस के नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने, हाई कमांड ने हमेशा न्याय किया। डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी थी, मंत्री पद की जिम्मेदारी थी, प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी थी, नेता विपक्ष की जिम्मेदारी थी। अब तो भैया एक ही जिम्मेदारी बचती है। वो भी आप सब और पांचों सीटें जितवाई तो मुझे निश्चित विश्वास है कि हाईकमान उस पर भी विचार कर लेगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हाल ही में हुए उपचुनाव में जनता ने प्रदेश की बीजेपी सरकार को एक टीका लगा दिया है और दूसरा भी जरूर लगाएगी। ये मसला ओवर कॉन्फिडेंस का नहीं है, ताकत इन्होंने पूरी लगा दी लेकिन जनता ने नकार दिया। उनका कहना है कि हमें समय से अलर्ट मिल गया है, अब जो संगठन को जो है वो मजबूत किया। ऐसा है कि जो अभी हुआ है वही भविष्य में होने वाला है, और जितना मर्जी इम्प्रेशन देने की कोशिश करें, आज भी कहा है कि ये जो है श्रद्धांजलि की वजह से जीते हैं, सहानुभूति से जीते हैं, लेकिन कुल मिला के ये सरकार जो है हिमाचल के लोगों ने रिजेक्ट कर दी है, इस सरकार को नकार दिया है। और इस सरकार ने चार साल के दौरान जनता के लिए कोई काम नहीं किए हैं, उसकी पृष्ठभूमि में जो है ना कारगुजारी है कि सरकार ने प्रदेश की जनता के विकास के लिए, कल्याण के लिए, गरीब की सेवा के लिए काम नहीं किया, उसकी वजह से इन्हें हटाया गया है। जो अभी हुआ है वो ही अगले लॉट में भी होना है। पहला इंजेक्शन लग गया है, दूसरा लगना है और उसकी जनता तैयारी कर रही है। पिया तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।